हाँ तो जी, क्या हाल है आप सबका? स्वागत है एक नई वीडियो में। और अभी तक जो आपने देखा, ये सब था हमारा वैष्णो देवी का ट्रिप। आगे चलिए, आगे बहुत कुछ दिखाना बाकी है। हाँ तो जी, नीचे एंट्री पॉइंट से स्टार्ट करके भवन तक का डिस्टेंस टोटल 12 किलोमीटर का है। हमने डिसाइड किया था कि हम रात को हमारी जर्नी स्टार्ट करेंगे ताकि मॉर्निंग होते होते हम पूरा 12 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर लें और हम माता के दर्शन के लिए सुबह एकदम रेडी हों। हाँ तो जी, हमारे जो है 12 किलोमीटर हैं, ये दो हिस्सों में बटे हुए हैं। पहले 6 किलोमीटर जाते हैं अर्धकुंवारी तक और बाकी बचे 6 किलोमीटर जाते हैं माता के भवन तक। हाँ तो जी, अर्धकुंवारी तक जाने के 3 रास्ते हैं। पहला जो कि सबके पास होता है, हमारी दो टांगे, हम पैदल भी चढ़ सकते हैं। दूसरा कि जो नॉर्मली अब आजकल मिलने लग गए हैं सब जगह, पोनी या फिर खच्चर घोड़े जिसको कहते हैं। और तीसरा होती हैं पालकियां, जिसको 4 लोग उठाते हैं और एक इंसान उसके बीच में बैठता है। अभी आगे आएगी, मैं दिखा दूंगा आपको पालकियां भी। हाँ तो जी, अब मैं बताता हूँ हमारे साथ क्या हुआ था। तो जैसे ही हम अर्धकुंवारी करके आगे ऊपर बचे हुए 5-6 किलोमीटर के लिए चढ़ाई हमने स्टार्ट करी, तो ऑलमोस्ट 1.5 से 2 किलोमीटर बचा था भवन के लिए जहाँ पे दर्शन होने थे। उससे पहले इतने काले बादल आए और जितना भी सुबह का दिन का मौसम हुआ था ना, वो सारा देखते देखते 5 मिनट के अंदर जो आप देख रहे हो अभी, ये वही है। बिल्कुल ऐसा हो गया कि दोबारा रात हो गई थी और जस्ट थोड़ी ही देर बाद बारिश भी स्टार्ट हो गई हमारे साथ। और तुम देख सकते हो इतनी भयंकर बारिश आई है कि मैं क्या बताऊं। तो हम ऐसे ही करते 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 आगे चलते रहे। बीच बीच में कई जगह है, मतलब पूरे रास्ते तक शेड है, ऐसे पूरे रास्ते में शेड और जाल लगा हुआ है ताकि कोई उधर ना गिरे, क्योंकि दूसरी तरफ खाई है। कहीं कहीं बीच में शेड हट जाता है, कहीं मतलब रोड वालों को काम के लिए रेजिस्टेंस के लिए जरूरत पड़ती है, वो अपने अलग अलग रूट बनाते हैं। तो इसके बाद हमने स्टार्ट किया था दोबारा, वैसे ही बीच में शेड आ रहे हैं, हम भीगते भीगते आगे जा रहे हैं। इस टाइम तक हमारी जैकेटें भी निकल गई थी क्योंकि बारिश आने की वजह से पहाड़ों में ठंड पड़ गई थी थोड़ी सी। तो हम चल रहे हैं आगे की तरफ और ऐसे ही चलता जा रहा था सब कुछ। जैसा कि हमने आपको बोला था कि हम जल्दी से एक न्यू ब्लॉग लेके आएंगे, और हम लेके आए हैं। आज हम वैष्णो देवी आए हैं और आप देख सकते हो कि माता रानी ने हमें अमृत के रूप में कितने दर्शन दिए हैं भवन में पहुंचने से पहले ही। ये हम ब्लेस्ड हैं कितने अच्छे दर्शन माता रानी ने हमें दिए हैं। हाँ तो जी, जितनी देर से काले काले बादल आए थे उतनी देर से नहीं, पर धीरे धीरे करके वो भी हट गए थे, लाइट कलर के बादल बच गए थे और बारिश बहुत धीरे हो गई थी उसके बाद। और भाई, शेड के नीचे खड़े होते थे लोगों की इतनी लंबी लाइन लग गई थी कि पुलिस चेक पोस्ट पे इतनी बड़ी लाइन थी कि उन लोगों ने एक सेपरेट साइड में लाइन चला दी कि सब लोगों को निकलने के लिए, ताकि यहाँ पे भीड़ ना बढ़े। पुलिस चेक पोस्ट के साथ ये एक ऑटो स्टैंड भी है जहाँ पर अर्धकुंवारी से इलेक्ट्रिक ऑटोज आते हैं जिनका रजिस्ट्रेशन आपको ऑनलाइन करवाना पड़ता है अगर आपको इनमें यहाँ पर ऊपर तक आना है तो। हाँ तो जी, अभी भवन में एंट्री की बारी। और एंट्री के लिए कुछ ऐसा सीन है कि आप अंदर ना अपना स्मार्टफोन, स्मार्ट वॉच, लेदर वॉलेट, लेदर बेल्ट, आप कुछ भी लेके जा सकते। आपके पास ऐसा कुछ भी है तो आपको बाहर रख के जाना पड़ेगा, लॉकर फैसिलिटी वहाँ पे अवेलेबल है उनके अंदर। आगे हमारी वापसी कुछ जर्नी क्लिप्स हैं, तो एंजॉय करो और मैं आपको बताता रहूंगा क्या क्या जा रहा है। हाँ तो जी, आप जो भी देख रहे हो ये एग्जैक्टली जो आपने देखा वही है, ये एक बेबी कार्ट। यहाँ पे क्या करते हैं, इसको यूज करते हैं नीचे उतरने वालों के लिए भी, जो नीचे उतरने वाले बच्चे होते हैं या फिर जिन बड़ों से चलने की हिम्मत नहीं होती, वो लोग इनमें बैठते हैं। उनके जो ये चलाने वाले होते हैं, ये लोग यहाँ से इसको रोल करके नीचे लेके जाते हैं पूरी तरह से, उनको आगे से बांध के बेल्ट के साथ। और भाई, ये बहुत स्पीड में जाते हैं यहाँ से, तो इसमें बैठने का पूरा ध्यान रखें आप लोग। हाँ तो जी, अभी आप जो देख रहे वाले हैं ये है पालकी, जिसे 4 बंदे उठाते हैं, 2 आगे 2 पीछे, और ये ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर दोनों साइड जाती है। हाँ तो जी, अभी हो गया था दिन और दिन में ये जगह कुछ ज्यादा ही अच्छी दिख रही थी। जो रास्ता बना हुआ है ये बहुत ही अच्छा बना हुआ है और ये पूरे पहाड़ों के बिल्कुल साइड से जाता है, जैसे आप देख रहे हैं सामने बिल्कुल पहाड़ के साइड से बहुत लंबा रास्ता है जो आता है, तो ये ऐसे ही चलता रहता है नीचे तक। और साथ साथ यहाँ पे थोड़ी थोड़ी दूर पे ऐसे बेंच लगाए गए हैं आने और जाने वालों के लिए बैठने के लिए। और अर्धकुंवारी के बाद ये सीढ़ियां बनी है जो उतरने और चढ़ने वाले दोनों लोगों के काम आती हैं। हाँ तो जी, हमारा आपका साथ इस वीडियो में यहीं तक का था। हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय और जय माता दी।